नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। कर्नाटक में आखिरी सभा में बोले पीएम मोदी, सांप से तुलना करने वाले विरोधी जान ले, मुझे श्रीकंठेश्वर स्वामी से विष पीने की ताकत मिली। सूडान से लौटे 210 भारतीयों से मिले पीएम मोदी, ने कहा दुनिया में अगर कोई भी हिंदुस्तानी फंस जाता है तो हम सोते नहीं हैं। नीतीश राणे ने संजय राउत को सांप कहा, बोले वो उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म करना चाहते हैं, 10 जून को एनसीपी ज्वाइन करेंगे। कर्नाटक को भारत से अलग करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, पीएम मोदी बोले 10 मई को मिलेगा जवाब। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के बीच जेपी नड्डा ने देखी द केरला स्टोरी, बोले फिल्म में आतंकवाद का नया रूप देखा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को भेजा नोटिस तो भड़के कपिल सिब्बल, पूछा पीएम से क्यों नहीं मांगे सबूत। कर्नाटक में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला, का इस बार डबल इंजन चोरी हो गया है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई का कांग्रेस परिवार, बोले कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया है जिन्हें चरमपंथियों से मिल रहा है धन। अमित शाह का बड़ा दावा, बोले भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी, 127 सीट जीतने का किया दावा। सीएम स्टालिन ने राज्यपाल रवि पर साधा निशाना, पूछा क्या भाजपा शासित मणिपुर की तरह तमिलनाडु जल रहा है। चीन से सीमा विवाद के बीच जयशंकर का राहुल गांधी पर तंज, बोले वे चीनी राजदूत से ही क्लास ले रहे हैं। ममता के वर्कआउट रूटीन में ट्रेडमिल और पपी शेयर पर कैप्शन लिखा, इस सम टाइम्स टू यू नीड अस सम एक्स्ट्रा मोटिवेशन। अजीत पवार का बड़ा बयान, बोले इस्तीफे के साथ ही खत्म हो गया शरद पवार का मुद्दा, बार बार चर्चा का कोई मतलब नहीं। केरल में टूरिस्ट बोट पटली, बता दें कि 21 की मौत हो गई मलप्पुरम में हादसा, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बंगाल की खाड़ी में तेजी से बढ़ा चक्रवाती तूफान, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना, तूफान मोचा की वजह से कई राज्यों में अलर्ट। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले निकाय चुनाव में भाजपा रूपी कचरे को निकाल बाहर फेंके। विधायक इरफान की पत्नी पहली बार मांग रही है वोट, कहा मैं पति की जिम्मेदारी निभा रही हूं, सपा को मजबूत करना है। सोनभद्र पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, निकाय चुनाव में बीजेपी और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की है। संजय निषाद ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले कांग्रेस को जनता ने बैन कर दिया, देश में भगवान राम और बजरंग बली का नारा नहीं।
मिर्जापुर में सपा बीजेपी गठबंधन में ने कुल प्रत्याशी पर लगाया दांव, 96 सीट पर अपना दल गुट के प्रत्याशी का विरोध नहीं कर रहे सपाई। सात साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, कन्नौज में शादी समारोह से किडनैप कर दरिंदगी, 3 दिन बाद खेत में निर्वस्त्र मिला शव। बाराबंकी में भीषण हादसा, 5 की मौत, हरदोई से शादी में शामिल होने आए थे, कार से तेज रफ्तार ने ट्रक में मारी टक्कर। पुणे की चिटफंड फर्म ने 5 करोड़ ठगे, सेना का जवान था एजेंट, 24 निवेशकों ने कोर्ट की मदद से दर्ज कराई FIR। नकली नोट छापने के गोरख धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया, नकली नोटों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, यूट्यूब देखकर बनाते थे नकली नोट। अतीक के बेटे अली को रिमांड पर लेगी पुलिस, प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के साजिश में अली भी था शामिल। लखनऊ जा रही बस पेड़ से टकराई, 7 घायल, गोरखपुर से लखनऊ की ओर तीव्र गति से जा रही थी हैदरगढ़ डिपो की बस। लखनऊ में 3 मंजिला मकान में लगी आग, मासूम समेत 7 लोग फंसे, दमकल की 6 गाड़ियों ने 1.5 घंटे में पाया काबू। मथुरा BSA से DM ने मांगा स्पष्टीकरण, आचार संहिता में खंड शिक्षा अधिकारी का ट्रांसफर किया है, 3 दिन में देना होगा जवाब। नाइट लैंडिंग के लिए चकेरी एयरपोर्ट तैयार, अंधेरे और कोहरे में भी उतरेंगे विमान, पीएम मोदी का प्लेन न उड़ने के बाद लिया गया था फैसला। सहारनपुर मंडल में रिश्वत लेने वालों पर कसेगा शिकंजा, एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी, कंट्रोल रूम भी बनाया गया। शेरपुरिया के गुजरात के ठिकानों पर तलाशी, दिल्ली में पूछताछ के बाद टीम ले गई गांधीनगर होटल और ऑफिस में होगी पूछताछ। मथुरा DM के सख्त तेवर, PWD के एक्सेंस सहित 17 इंजीनियर को दी गई चेतावनी, 2 सड़कों के निर्माण कार्य में बरत रहे थे लापरवाही। मेरठ सपा पार्षद के कारखाने में टूटी लिफ्ट, ओवरटेक के कारण गिरी टेम्परेरी लिफ्ट, बच्चे सहित 5 लोग घायल। आदिवासी सेंगेल अभियान, संथाली भाषा का विरोध करने वाले सांसद व विधायक का फतेहपुर चौक पर पुतला दहन किया गया। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, 10 की मौत, DCM ने पिकअप को सामने से मारी टक्कर, बुआ की बेटी मिक्स शादी में जा रहा था पूरा परिवार। ग्रेटर नोएडा में स्कॉर्पियो में पकड़ी गई अवैध शराब, निकाय चुनाव में इस्तेमाल के लिए लाई जा रही थी 50 पेटी शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। बांदा में निकाय चुनाव को लेकर किया गया फ्लैग मार्च, CEO के नेतृत्व में भ्रमण कर मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली, मेरठ के शहर भर में घूमकर युवाओं की टीम ने मांगे वोट। हापुड़ में देवेंद्र हत्याकांड का खुलासा, शराब पिलाने के बहाने जंगल में ले गए, रुपए नहीं देने पर मार डाला। हाथरस में ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों को पीटा, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, बकाया वसूली करने गए थे।
प्रेमी के घर बाहर धरने पर बैठी प्रेमिका, लड़की बोली शादी के लिए मांग रहा 3 लाख की बाइक, पुलिस ने खुलवाया दरवाजा। एयरपोर्ट पर प्रतिबंधित सामान ले जाना होगा मुश्किल, अमौसी एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा, केवल लेवल 4 जोन से पकड़ी जाएगी गाड़ी। हरदोई स्टेशन के 42 हाईटेक कैमरे से हो रही निगरानी, सुरक्षाकर्मी रखते हैं संदिग्धों पर नजर, नहीं लेगा मेटल डिटेक्टर और लगेज स्कैनर। निकाय चुनाव के चलते पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, गाड़ियों को डिग्गी और गेट खोलकर किया गया चेक। कौशाम्बी में सड़क हादसे में युवक की मौत, निमंत्रण में शामिल होकर लौट रहा था घर, डॉक्टर बोले ज्यादा खून बह गया था। केरल में नाव पलटने से 21 की मौत, घटना को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने जताया शोक। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बयान, कहा प्रदेश सरकार द्वारा सुनियोजित व्यवस्था के साथ संचालित हो रही है। उत्तराखंड भाजपा का बड़ा फैसला, मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी भाजपा। कांग्रेस ने कर्नाटक के भाजपा नेता पर देहरादून में दर्ज कराया मुकदमा, करण माहरा के प्रतिनिधि के रूप में थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। उत्तराखंड में बिना लाइसेंस चल रहे वन विभाग के हथियार, मामला खुला तो हरकत में आए अधिकारी। उत्तराखंड में 2 निरीक्षकों के भरोसे बिजली चोरी रोक रही यूपीसीएल की विजिलेंस टीम, विभाग में कई पद हैं खाली। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप के भवन में गिरी टाइल्स, बाल बाल बचे पंजीकरण के लिए लाइन में लगे यात्री। चारधाम यात्रा तीर्थयात्रियों में उत्साह, चारधाम दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 5 लाख पार। उत्तराखंड के तथ्यूड़ काडा जाक मोटर मार्ग पर सड़क हादसा, सड़क पर पलटा मेले से लौट रहा पिकअप वाहन, एक महिला की मौत। युवक की पिटाई का मामला, 3 घंटे में मिल गया आरटीआई का जवाब, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत 4 नामजद। उत्तराखंड में सुदोवाला में पकड़े नशे की दवाओं की खेप, 68,000 प्रतिबंधित कैप्सूल गोलियों के साथ 2 भाई गिरफ्तार। उत्तराखंड में देश में पहली बार बीआरओ ने खोला कैफे, बद्रीनाथ व हेमकुंड साहिबा यात्रियों को मिलेगी सुविधा। चारधाम यात्रा यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 यात्रियों के हार्ट अटैक से मौत, मृतकों की संख्या हुई 10। सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षक कर्मियों की नहीं है, छात्रों की भी मोबाइल ऐप से दर्ज होगी उपस्थिति। एक दिन में 39,000 यात्रियों ने किए चार धाम में दर्शन, मौसम साफ रहा तो यात्रा पकड़ेगी रफ्तार। किंग चार्ल्स की ताजपोशी के अगले दिन हुआ कॉन्सर्ट, स्पेशल गाउन पहनकर शामिल हुई सोनम कपूर, विलियम बोले आप पर गर्व है।
12 साल बाद अरब लीग में सीरिया की वापसी। काहिरा में वोटिंग के बाद फैसला 19 मई को सऊदी जा सकते हैं सीरियाई राष्ट्रपति। यूक्रेन ने रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया। अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल किया, कहा ये रूस के मुंह पर तमाचा। नेतन्याहू बोले अकेला ईरान 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर। अमेरिकी सांसदों से कहा वो इजराइल को छोटा तो अमेरिका को बड़ा शैतान समझते हैं। चीन बोला कश्मीर पर एक तरफा फैसला गलत। इस्लामाबाद में बैठक पर कहा भारत पाकिस्तान बातचीत में मामला सुलझाएं। कनाडा के अल्बर्टा में जंगलों में लगी आग, अब तक 30,000 लोगों ने घर छोड़ा। 31 जगहों पर स्थिति कंट्रोल से बाहर। टेक्सास में गोलीबारी में मारे गए पीड़ितों के सम्मान में आधा झुका रहेगा अमेरिकी झंडा, बाइडेन ने दिया आदेश। सोने की एक छोटी खदान में आग लगने से 27 लोगों की मौत, दक्षिणी पेरू में हुआ हादसा। पाकिस्तान में इश्निंदा के आरोप में व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या, 24 घंटे बाद भी एफआईआर और गिरफ्तारी नहीं। वरिष्ठ पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या में आईएसआई का हाथ, इमरान खान ने सेना पर लगाए गंभीर आरोप। कोल इंडिया के चौथे तिमाही के नतीजे QF4Y23 में नेट प्रॉफिट 18% से घटकर 5,528 करोड़ रहा। नोएडा में जल्द शुरू होगी देश की पहली पॉड टैक्सी सर्विस, यमुना अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 37,000 लोग हर दिन कर सकेंगे यात्रा। भारत की टॉप 5 सेलिंग स्कूटर्स होंडा हीरो और टीवीएस के स्कूटर इस लिस्ट में शामिल, शुरुआती कीमत 68,625 रुपए। बीमा कंपनियों के लिए सख्त होंगे मीडिया विज्ञापनों के नियम, समिति का होगा जिम्मा, 3 दिन में वेबसाइट पर अपलोड होगा विज्ञापन। भारत के तेल आयात में ओपेक का हिस्सा 40% के साथ रिकॉर्ड निचले स्तर पर, रूस बना बड़ा निर्यातक। DRI ने मुंबई एयरपोर्ट से 3.35 किलोग्राम सोना बरामद किया, इसकी कीमत करीब 2.1 करोड़ रुपए, 11 गिरफ्तार। राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स के साथ डोसा व कॉफी का लुफ्त उठाया, न्यूनतम प्रति घंटा मजदूरी का बात दोहराया। बैंकों के लिए सप्ताह में 5 दिन काम करने का प्रस्ताव, शनिवार को भी रहेगी छुट्टी, बढ़ेगा काम करने का समय। डॉलर का घटा रुतबा, वैश्विक विदेशी मुद्रा में हिस्सेदारी में 58% गिरी, 1995 के बाद सबसे कम। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर वॉरेन बफेट का बड़ा बयान, बोले ऐसी स्थिति की कल्पना उन्हें कभी सपने में भी नहीं हुई थी। हैदराबाद ने पहली बार चेज किया 200+ का स्कोर, फ्री हिट ने पलटा पासा, अब्दुल समद ने आखिरी बॉल पर छक्का मारकर जिताया। गुजरात प्लेऑफ से एक जीत दूर, लखनऊ को 56 रन से हराए, गिल के 94 रन, मोहित शर्मा ने छड़के 4 विकेट।
हरियाणा कुश्ती संघ का एक्शन धरने पर बैठे रेसलर्स का समर्थन करने पर 3 जिला कुश्ती संघों के सचिव सस्पेंड, मिर्चपुर की अकेडमी निलंबित। एशियन गेम्स के लिए बैडमिंटन टीम का ऐलान, साइना नेहवाल को जगह नहीं, 20 खिलाड़ी करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। संदीप की नौ बॉल से हारी राजस्थान, फ्री हिट पर 6 मारकर समद ने हैदराबाद को जिताया, बटलर फिर शतक से चूके। राशिद खान ने स्लाइडिंग कैच लपका, आईपीएल में पहली बार टॉस के दौरान दो भाई आमने सामने, कृणाल ने हार्दिक का कैच पकड़ा। आईपीएल में 1000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे युवा बने यशस्वी जायसवाल, सिर्फ 34 पारियों में हासिल किया यह मुकाम। पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने रिद्धिमान शाह, मेयर्स, बटलर और रहाणे सभी को छोड़ा पीछे। वसीम अकरम ने कोहली की कप्तानी पर उठाए सवाल, कहा अगर धोनी आरसीबी के कप्तान होते अब तक 3 आईपीएल खिताब जीत चुकी होती। आईपीएल में पहली बार दो भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ की कप्तानी, टॉस के दौरान भावुक हुए हार्दिक पांड्या। नवाजुद्दीन बोले, मेरी जिंदगी बहुत घिनौनी है, मेरी लाइफ पर बनी फिल्म कोई नहीं देखना चाहेगा, अगले जन्म में नवाज नहीं बनना। ये जवानी है दीवानी 2 पर बोले रणबीर कपूर, आयान के पास स्टोरी है, 1-2 साल में ब्रह्मास्त्र 2 से पहले आ सकती है फिल्म। थिएटर से निकलती दिखी कंगना रनौत, तो मैक्सी ड्रेस में आई नजर, फैंस बोले आप जलपरी लग रही हैं। जैकलीन ने जानवरों के लिए रखे पानी से भरे बर्तन, बोली गर्मी के दिनों में जानवरों को हाइड्रेट रखने में आप भी हमारा साथ दें। दीप ने एक लाइन वाली ड्रेस में दिखे मलाइका अरोड़ा, फैंस के साथ फोटो भी क्लिक करवाई, मुस्कुराते हुए पेपराजी को पोज दिए। ड्रग्स लेने वाले दो एक्टर्स इंडस्ट्री से बैन, ड्रग्स लेने की शिकायत के बाद अब मलयाली फिल्मों के सेट पर मौजूद रहेगी पुलिस। दी केरल स्टोरी देखने की अपील करना, युवक को पड़ा भारी मारपीट के बाद मिली जान से मारने की धमकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी केस वापस लेंगे, इंस्टाग्राम पर चिट्ठी पोस्ट कर मांगी माफी का, अच्छे पति पत्नी नहीं बन पाए पर माता पिता बनेंगे। जैकलीन के लिए सुकेश का एक और लव लेटर, बर्थडे पर बड़ी सरप्राइज की प्लानिंग, लिखा तुम भी मुझे पागलों की तरह प्यार करती हो। लाल सलाम की शूटिंग के लिए पहुंचे रजनीकांत, आधी रात को जारी होगा फर्स्ट लुक, तलाइवा की सादगी पर फैंस फिदा। आज के शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।